सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं आज फिर से चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, हमने पिछले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 13 तक किए हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आप खुद कीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है, n के किसी मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, जैसे ये समांतर श्रेणी हमें पहली समांतर श्रेणी दी है और ये दूसरी दी है, कि n में पद बराबर होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम हल करेंगे तो कैसे करेंगे, हल रहेगा वो क्या रहेगा, हम पहले पहली समांतर श्रेणी लेकर चलते हैं, पहली समांतर श्रेणी क्या है हमारे पास, 63, 65 और 67। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें प्रथम पद क्या रहेगा हमारा, प्रथम पद यानी ए, ये हमारे पास 63। इसी प्रकार सार्वअंतर क्या आएगा हमारे पास, डी, ए टू माइनस ए वन, ए टू क्या है हमारे पास 65 माइनस 67, तो क्या आ जाएगा 65 माइनस 63, ए टू माइनस ए वन, 65 माइनस 63 तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2। तो हम nवें पद का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ए एन इक्वल क्या है हमारे पास, ए प्लस एन माइनस एक डी। तो ए एन हमें निकालना है, ए हमारे पास है 63 प्लस एन नहीं है हमारे पास, इंटू में 2। तो ए एन इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास, 63 प्लस ये 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करवा देगा, 2n माइनस 2। तो ए एन हमारे पास क्या आया, 63 63 में से 2 जाएंगे तो 61 प्लस 2n आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार हम समांतर श्रेणी 2 लेकर चलते हैं, समांतर श्रेणी 2 से दूसरी समांतर श्रेणी, क्या है हमारे पास, 3, 10, 17। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम पद क्या रहेगा हमारे पास, प्रथम पद यानी ए 3। इसी प्रकार सार्वअंतर हमारे पास डी, ए टू माइनस ए वन, तो ए टू क्या है 10 माइनस 3 यानी 7। तो nवें पद का फॉर्मूला, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस एक डी। तो ए एन इक्वल क्या है हमारे पास, 3 प्लस एन माइनस 1 डी इंटू 7, 3 प्लस क्या आ जाएगा 7n माइनस 7। तो ए एन इक्वल क्या आया हमारे पास, ए एन इक्वल आया 7n माइनस 4, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या दिया क्या था, कि दोनों पद हैं वो nवें पद बराबर हैं, तो यानी कि दोनों पहली समांतर श्रेणी का nवें पद और दूसरी समांतर श्रेणी का nवें पद। तो पहली क्या क्या था हमारे पास, 61 प्लस 2n इक्वल क्या आ जाएगा 7n माइनस 4। तो n को एक तरफ ले जाते हैं, बिना n की एक तरफ, तो 2n माइनस के तो क्या आ जाएंगे 7n इक्वल माइनस के 4 और माइनस का 61, माइनस के 5n बराबर माइनस का 65, माइनस से माइनस कट गया, n इक्वल क्या आ जाएगा 65 भाग में 5। तो 5 एकम 5, 5 तीये 15, तो n क्या आ गया हमारा 13। यानी इस एपी में जो 13वां पद है ना, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल रहेंगे, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। इसी प्रकार मैं क्वेश्चन नंबर 17 करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारे पास, एपी द्वितीय 3
आठ, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एपी क्या है, एपी हमारे पास है 3, 8, 13, 253। तो प्रथम पद क्या आ जाएगा हमारे पास यहां से, प्रथम पद यानी ए, 3, सारव अंतर, आठ माइनस तीन यानी ए टू माइनस ए वन, पांच। अब देखिए हमें अंतर क्या आ रहा है, पांच का अंतर आ रहा है। तो इस एपी में हम इसको अंतिम पद से शुरू करते हैं, दोबारा मैं एपी लिखता हूं अंतिम पद से। अंतिम पद क्या हमारे पास यहां 253 है, तो इससे पहले वाला पद क्या आएगा हमारे पास 253 से पहले 248, इसी प्रकार 243, तो लास्ट में चलता जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13, 8 और 3 आ जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आया ना, इसमें क्या पूछा अंतिम पद से 20वां पद, तो इसमें अंतिम पद हमारा 253 है, सारव अंतर 5 है, तो सारव अंतर यानी कि 5 5 जुड़ रहा है दोनों समांतर श्रेणी में, तो हम उससे पहले वाले पद लिखते जाएंगे 253, 248, 243 इसी प्रकार। तो अब इसमें प्रथम पद क्या रहेगा हमारा, प्रथम पद क्या आ जाएगा, प्रथम पद यानी ए वो आ जाएगा 253 और सारव अंतर क्या आ जाएगा, सारव अंतर डी यानी वो आ जाएगा 248 माइनस 253, क्या आ गया हमारे पास माइनस का 5। तो हमें निकालना क्या है, ए 20 निकालना है अंतिम पद से 20वां पद यानी ए प्लस 19 डी। ए क्या है हमारे पास 253 प्लस 19 गुणा में माइनस 5, तो 253 माइनस क्या आ जाएगा 9 पंजे 45, 5 और 4 95, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 13 में से 5 गए 8, 14 में से 9 गए 5 और 1, 158। इस प्रकार हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार मैं क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहा हूं, 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 18 क्वेश्चन में किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और दसवें पदों का योग 44 है, तो इस एपी के प्रथम तीन पद ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया है चौथे और यानी ए 4 प्लस ए 8 इक्वल क्या दिया हुआ हमारे पास 24, तो ए 4 को क्या लिख सकते हैं हम ए प्लस 3 डी, प्लस ए प्लस ए 8 को क्या लिख सकते हैं ए प्लस 7 डी इक्वल 24। ए और ए क्या आ जाएंगे हमारे पास जुड़ के 2, ए प्लस 3 और 7 10 डी इक्वल 24। 2 से कट हो रही है, 2 एकम 2, 2 5 10, 12 दूनी 24, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार क्या है कि छठे और दसवें पद का योग ए 6 प्लस ए 10 बराबर दिया हुआ हमें 44, तो ए 6 क्या हमारे पास ए प्लस में 5 डी लिख सकते हैं, इसी प्रकार ए 10 को ए प्लस 9 डी इक्वल क्या है 44। तो ए और ए क्या आ जाएंगे हमारे पास 2 ए प्लस 14 डी 44, 2 पे फिर कट रहा है ए प्लस 7 डी इक्वल 22। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से, एक हमारे पास क्या है वो है हमारे पास ए प्लस, ए प्लस 5 डी बराबर आ जाएगा 12, और इसी प्रकार सेकंड क्या है ए प्लस 7 डी इक्वल 22, तो घटाने पर क्या आ जाएगा घटा 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 कट गए माइनस के 2 डी इक्वल क्या आ जाएगा माइनस के 10,
माइनस से माइनस कट गया, डी का मान क्या आ जाएगा 10 भाग में 2, तो 2 5 10, यानी डी का मान हमारे पास 5 आ गया। डी का मान किसी एक इक्वेशन में रखने पर, इक्वेशन नंबर एक में 1 प्लस 5 डी बराबर 12, ए प्लस 5 गुणा 5 बराबर 12, तो ए प्लस 25 बराबर 12, तो ए इक्वल क्या आ जाएगा 12 माइनस 25, यानी ए इक्वल आ गया माइनस का 13। तो हमें क्या चाहिए, प्रथम चार प्रथम तीन पद चाहिए, तो प्रथम पद तो हमारे पास आ गया, प्रथम पद क्या है हमारे पास माइनस का 13, दूसरा पद क्या आएगा a प्लस डी, यानी a हमारे पास माइनस का 13 प्लस में d का मान हमारे पास आया है, d का मान आया है 5, तो क्या आ जाएगा माइनस का 8। इसी प्रकार तीसरा पद क्या रहेगा a प्लस 2d, तो a माइनस 13 प्लस 2 गुणा 5, तो क्या आ जाएगा माइनस के 13 प्लस 10 इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3। तो इस प्रकार हमने तीनों पद ज्ञात कर लिए हैं। इसी प्रकार आपकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होती है। प्यारे विद्यार्थी, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया, समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।